मुजफ्फरपुर में महंगाई पर आस्था भारी, 3 से 13 हजार तक में बिके चांदी के सूप, 700 रुपए में मिट्टी के हाथी। बेगूसराय में रिक्शा चालक को अपराधियों ने मारी गोली, घायल, 50 रुपए देकर किराए पर लिया रिक्शा, गोली मारकर छीन लिए 1500 रुपए। छठ करने वाले 31 पुलिस कर्मियों को मिली छुट्टी, मुजफ्फरपुर में एसएसपी ने दी 9 से 11 नवंबर तक की छुट्टी, 3 दिनों बाद योगदान देने कहा। बेगूसराय में गंगा घाटों पर उमड़ी छठ व्रतियों की भीड़, व्रतियों ने स्नान ध्यान कर नहाई खाई का अनुष्ठान किया, गंगा जल लेकर घर लौटी। चिकित्सा व्यवस्था बेहतर करने की पहल, मुजफ्फरपुर एसके सीएमएच के 4 मेडिकल इंटर्न छात्र हेल्थ केयर के लिए एक एक गांव के 40-40 परिवारों को गोद लेंगे। जमुई में महुआ शराब पीते पकड़ाया बीजेपी नेता, जिला आईटी सेल का है संयोजक, चकाई में 2 लोगों के साथ गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में खूब बिक रहा बंगाल और मद्रास का केला, छठ पर्व को लेकर उत्साह के साथ हो रही खरीदारी। कैमूर जिले के बहेरी गांव निवासी बीएसएफ के जवान अवधेश सिंह यादव की त्रिपुरा में ड्यूटी के दौरान मौत, पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। आज से छठ महापर्व शुरू, गंगा नदी में स्नान कर व्रतियों ने मनाया नहाय खाय, पूजा अर्चना के बाद प्रसाद बनाना शुरू किया। 4 दिवसीय महापर्व छठ शुरू, मुंगेर से शुरू हुआ था लोक आस्था का महापर्व छठ, मंदिर में आज भी मौजूद है राम सीता के पद चिन्ह। हाजीपुर में हाईवे पर पलटी स्कॉर्पियो, महिला गंभीर, छठ महापर्व में घर आ रहे थे परिवार के 7 लोग, हादसे में बाल बाल बचे। समस्तीपुर में दूध सेंटर संचालक का मर्डर, सुबह सुबह सेंटर पर आए 2 बदमाश, नाम पूछा और दनादन 4 गोली मारी। लोकसभा चुनाव को 2.5 साल, लेकिन तैयारी अभी शुरू, बिहार बीजेपी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख बनाने की तैयारी। राज्य के टैलेंटेड शिक्षकों की खोज शुरू, राज्य और जिला स्तर पर बनी कमेटी, शिक्षक पर्व के लिए 18 नवंबर तक शिक्षक जमा कर सकेंगे आवेदन। नवादा में सनकी ने की पत्नी और बेटे की हत्या, पहले बीवी को मारा, देखकर 3 माह का बेटा रोया तो उसका भी गला दबाया।